हाय फ्रेंड्स, पूजा सुबोध के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई एम सो, आप सब ठीक होंगे। और अभी तो पोछा ओछा लगा आई हूँ, तो इसके लिए बच्चों ने फैन चालू कर दिए है, तो मेरी आवाज़ से ज़्यादा तो फैन की आवाज़ आ रही होगी। आप सभी को मेरे पूरे फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तभी तो मैं बाथरूम से नहा धोवा कर आई हूँ, तो यहाँ पूजा का माता रानी का चौकी तैयार करूँ, रख दी हूँ। बच्चों के लिए खाना वाना बना दी हूँ, अभी वो भी नहीं कुछ खाए पिए हैं, बोल रहे हैं कि नहीं पूजा हो जाएगा तब तो सबसे पहले चौकी तैयार करते, उसके बाद हम सब तैयार होके तो पूजा करेंगे। तो चलिए अभी मैं पूजा का सारा सामग्री एक कर ले और यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं माता की चौकी का तैयारी करने जा रही हूँ। मेरे पास तो अभी मतलब टेबल नहीं था, जो साइड टेबल था मेरे पलंग के पास, तो वही उनके पापा ने सुबह ही निकाल के और धो धा के मतलब साफ करके रख के गए, बोले कि यहीं पे मंदिर के पास में रख के पूजा कर लो। तो वही मैं उसके ऊपर पहले चुंदरी डाली, फिर दो छोटा छोटा पूजा के टाइम ही नवरात्रि में मिला था माता के चौकी बोल के बेच रहे थे, मैं पहले से रखी थी, वो भी उसके ऊपर डाल के फिर माता रानी का फोटो रख के अच्छे से मैं वो सब सजा ली। और साथ में मैं सारे फ्रूट्स भी रखी हूँ, और एक थाल में मैं वही फल मूल सजा के रखूँगी और एक थाल में सारा फल मूल काट के रख लूँगी। और सुबह उनके पापा आज जाके फूल भी नीचे से ला दिए हैं, तो नीचे बैठ के आराम से सब तैयार कर रही हूँ, पंचामृत का तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ माता का चौकी का भी तैयारी कर ली, मैं भी सब कुछ फिर से सब कुछ अच्छे से ठीक कर दी। सारे मंदिर के जो भगवान जी के नीचे का जो सारे कपड़े हैं ना, चुंदरी उंदरी सब धोई थी, तो अभी सब ठीक कर ली। तो चलिए अब जा रही हूँ मैं भी तैयार होके आने, उसके बाद पूजा करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई, अब चल रही हूँ पूजा करने। तो चलिए पूजा कर लूँ मैं। तो यहाँ मैं तैयार वार होके आई है, सबसे पहले मंदिर में पूजा की, मंदिर में पूजा करना स्टार्ट की। पूजा करने के बाद मैं माता रानी का मतलब पूजा करूँगी। मैं जहाँ बैठ के सब सामान मतलब पूरा सामान पूजा की तैयारी कर रही थी, उधर आसपास में मतलब मैट था नीचे पूजा करने वाला ही, तो उस सब मतलब अच्छे से मैं उठा के उस सबको अच्छे से रख दी थी। फिर बोले कि पूरा मतलब उतना दूर मैं क्लीन की, पोछा लगाने के बाद भी फिर से मैं उतना दूर कपड़े से साफ की फर्श को, तब हम लोग रेडी होके आए इधर पूजा करने माता रानी का। तो सबसे पहले माता रानी का दीपक जलाए और वो अगरबत्ती जला के रखे। माता रानी घर आती है तो कितना खुशी होता है ना, मत पूछे। ये पर्व त्योहार का दिन आता ही ये खुशियाँ लेके, मतलब बैक टू बैक पर्व आता है ना, और पूछिए मत इतना, मतलब मेरे को तो बहुत खुशी होती मतलब पूजा पाठ करने और उनको मतलब सब सजाने उजाने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उतना सामान तो होता नहीं है, जितना होता है उतने में ही सब कुछ करती हूँ। फिर यहाँ माता रानी के मैं पूजा की, पूजा करने के बाद मैं जो अपना दुर्गा चालीसा है वो पढ़ूंगी, उसके बाद आरती उरती का हम करेंगे दुर्गा चालीसा करने के बाद। तो मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद मेरे दोनों बच्चे हैं वो भी पूजा कर लेंगे, उनका भी पूजा ख़त्म हो जाएगा, तब हम लोग आरती मिल के साथ में करेंगे। मतलब आज ना जो भी आप काम कीजिए ना, खुशी खुशी से मतलब दिन निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे मेरा 9 दिन का फास्ट है, लेकिन पता भी नहीं चलता है मुझे, मतलब ये पूजे पाठ में लगी रहती हूँ, उसके बाद भी सारा काम कर लूँ उतना भी, लेकिन फिर भी थकान नहीं होता है। बाकी दिन तो हम लोग इतना जल्दी थक जाते हैं, लेकिन ये दिन कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। आज हम तीनों ही पूजा करेंगे, क्योंकि मतलब इनका तो ऑफिस है, छुट्टी है ही नहीं, तो बोले कि मतलब आप ही लोग कर लो, मैं तो मतलब ऑफिस जा रहा हूँ तो मुझे तो नहीं मिलेगा। शाम के टाइम वो आए तो शाम में साथ में किए, बहुत अच्छा लगा सब मिलजुल के किए। तो फिर इनका पूजा ख़त्म होने के बाद परी के करने के बाद दोनों को कि सबसे पहले नहीं मुझे आरती देना, मुझे आरती देना ही, दोनों में थोड़ी बहुत चलती रहती है। और इन लोगों का क्या है ना कि मतलब पर्व त्यौहार आए तो अलग ही खुशी है, अलग ही रौनक दोनों बच्चे के चेहरे पे आता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इन लोग का था कि माँ जल्दी पूजा ख़त्म करो, पूजा हो जाएगा तो मुझे वो प्रसाद दो। प्रसाद को बच्चों को बहुत मतलब, हम लोग भी जब छोटे थे तो सबसे पहले पूजा ख़त्म होने के बाद वही प्रसाद के लिए परेशान होते थे कि किसको जल्दी।
नमो नमो दुसु कनी नमो नमो अम्बे दुखनी नी कार्य ज्योति तुम्हारी तीन लोक में फैलो जा रही शीश लाल मुसाला नेत्र लाल भुकुट विकराला रूप मातु को अधिक पूजा संपन्न हो गया। अभी मैं जा रही हूँ बच्चों सबको खाना देने। ये दोनों भी नहीं खाए, यही प्रसाद लेके खा रहे दोनों, दोनों का मुंह चल रहा है। तो खाना देती हूँ, दोनों खा ले। देखिए मेरा भेड़िया ने पोरे। हाँ अच्छा लग रहा है। बेटी है मम्मी सेम सेम, मम्मी ने पोर्स लगाया, मैं भी नहीं छोड़ दी, हमें एक साथ मेरी लगाया। अभी 12 बज गया, बच्चे अभी कुछ खाए नहीं थे, चल के इन लोगों को खाना खिला देती हूँ। और आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। प्रेम से बोलिए दुर्गा।